यूट्यूब में फेक न्यूज फैलाकर व्यूअरशिप बटोरने वाले मनीष कश्यप को भले ही गिरफ्तार बिहार पुलिस ने किया हो, लेकिन अब वो नब लंबा गया है, क्योंकि केवल बिहार पुलिस ही नहीं, अब तो तमिलनाडु पुलिस भी पहुंच गई है बिहार उसे गिरफ्तार करने के लिए। वैसे तो ये गालीबाज यूट्यूबर बकौल बिहार पुलिस आततन अपराधी है ही, लेकिन ये पूरी तरह एक्सपोज तब हुआ जब इसने न केवल अपने यूट्यूब चैनल से बल्कि अपने सोशल मीडिया से भी बिहार के लोगों की तमिलनाडु में फर्जी मारपीट की वीडियोस चलाई, खबरें चलाई। तमिलनाडु और बिहार पुलिस लगातार कहती रही कि फर्जी वीडियोस शेयर मत कीजिए, माहौल खराब मत कीजिए, भ्रामक जानकारियां मत फैलाइए। तमिलनाडु पुलिस ने तो बकायदा वीडियोस का फैक्ट चेक भी कर दिया था, बकायदा डीआईजी ने बयान जारी करके ये सब जानकारी दी थी, लेकिन बीजेपी आईटी सेल के अलावा मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर ने खुलेआम इस मामले में अपने लाखों सब्सक्राइबर बेस को वीडियोज दिखाई जिनका कोई आधार नहीं था। इसीलिए अब जब मनीष कश्यप पर शिकंजा बिहार पुलिस ने कसा है तो उसे गिरफ्तार करने तमिलनाडु पुलिस भी पहुंच गई है। तमिलनाडु पुलिस की 4 सदस्यीय टीम पटना पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द गिरफ्तार करने के बाद मनीष कश्यप को बिहार पुलिस के बाद तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु भी लेकर जाएगी, क्योंकि इस आदमी पर फेक न्यूज फैलाने के मामले में तमिलनाडु में भी FIR दर्ज है। यानी खुद को बिहार का बेटा कहने वाला मनीष कश्यप अगर 1% गलतफहमी में है कि उसे उसके राजनीतिक आकाओं का संरक्षण बिहार में मिला हुआ है तो बिहार पुलिस शायद उसे छोड़ दे, बिहार पुलिस से शायद वो बच जाए, तो इस गलतफहमी से वो निकल जाए, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस से वो बचने वाला नहीं है। बकौल बिहार पुलिस, मनीष है तो एक आदतन अपराधी, वो इससे पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन अब इस मामले में उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि केवल बिहार नहीं तमिलनाडु पुलिस की सलाखें भी उसका इंतजार कर रही है। मनीष कश्यप पर पहले बिहार और अब तमिलनाडु पुलिस के कसते शिकंजे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।